आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। जो अध्यापक हैं, जो अध्यापकों को स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए था, आज वो यहाँ हैं। खातूनों, मैं नगर क्षेत्र वाराणसी की रहने वाली हूँ। आज हमारा समायोजन रद्द के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मैं अवहेलना नहीं कर रही हूँ। उनके हुई देखिए, नियम बहुत कानून होते हैं। सरकार, हमारे भारत सरकार चाहे या उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे, वो हमारे समायोजन को बहाल करवा सकती है किसी की जरिए, एनसीटीए द्वारा या समायोजन इस कार्य समान कार्य समान वेतन, वो सरकार अभी चाह नहीं दे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि हम उनके धरती पर आए, वो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होंगी, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्योंकि हमने लखनऊ में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उनके आश्वासन से हमने धरना स्थगित किया था, और उसके बाद मैं दिल्ली में, ये दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली में आज उनका है, दिल्ली में उनका आज है, मैं उन धरने पे उनका स्थगित नहीं करवाना चाहती। हमने समायोजन जल्द से जल्द बहाल किया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और मेरे, और यही बात मेरी क्या, अब 10,000 में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला 10,000। आज बताए, मैं एक किराए पर रहती हूँ, 4500 में शहर में रह के मैं 4500 रुपये किराया देती हूँ। ये बताइए 10,000 में आज के में क्या होगा? हाँ, आज ज़माने में 10,000 क्या होगा? हमने 17 साल हमने उस नन्हे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जनगणना बाल गणना किया, और प्रधानमंत्री के जो भी योजना में हम लोग तहे दिल से हम लोग साथ दिए, उनका हाथ धोने, जो सफाई अभियान को मैंने स्कूल पे मिड डे मील के जरिए बच्चों को सिखाने का, पठन पाठ कराने की, जिस नगर क्षेत्र में की छात्र संख्या हमेशा कम थी, उस नगर क्षेत्र में जिस विद्यालय में मैं हूँ, 350 बच्चे हमारे विद्यालय में है, उसी स्कूल में वो बच्चे, स्कूल में 100% बच्चे आते थे। आज है कि बहुत 100% बच्चे आते हैं। आज स्कूल में छात्र संख्या 350 बच्चे हैं, और सही समय से विद्यालय में पठन पाठ कराते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी, आप हमेशा मन की बात कहते, कभी पेट की तो बात करिए। आज हमारी पेट की बात है, जब मेरा पेट ही नहीं सही रहेगा, मेरा पेट ही नहीं भरेगा, रोजी रोटी मेरा नहीं चला जाए, तो हम मन की बात क्या सोचेंगे? आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग आपकी बेटी नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, हम लोग रोड पे आ गए हैं। क्या आपका विचार है, क्या चाहते हैं हम लोग से? क्यों ना हम लोग का समायोजन, आप अध्यादेश लाइए या समान कार्य समान वेतन दिए। और टीटी में, टीटी क्या अनुभव से, जो इंटर लेवल का, एक इंटर लेवल का चपरासी पढ़ाते पढ़ाते एक बाबू हो जाता है 14-15 साल में, क्या हम लोग 17 साल में अनुभव का, हम लोग समा, हम लोग 17 साल पढ़ा रहे, क्या उस अनुभव से हम लोग सहायक अध्यापक नहीं बन सकते हैं? अरे कहते हैं कि हम बनारस डीएडब्ल्यू में उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं था, भारतीय जनता कोई पार्टी नहीं था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आप सबके सामने बोला कि भाइयों और बहनों, शिक्षा मित्र, कोई ऐसा आत्मधारण ना करें, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ रहते, आज हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता। डीएडब्ल्यू, उनकी एक आवाज़ से पूरे शिक्षा मित्र जितने भी आए थे, सब दोनों हाथ उठा दिए, और उनकी सभा में इतने ज़्यादा की संख्या आई थी, वो कभी सोच, उनकी सभा को हम लोग जल बल कर दिया कि उनको कभी सोचना नहीं पड़ा कि हम लोग उनके साथ क्या किए। अरे जिस धरती पे आप वहाँ के संसद हो, बनारस के निवासी होते हुए गंगा की सफाई कर, अरे पहले हम लोग के बारे में सोचो, क्या हम लोग से दुश्मनी थी, क्या हम लोग किसी का बिगाड़े थे, क्या हम लोग का यही गलती थी एक छोटी सी टेट की वजह से? अरे आप कुछ सब कर, जब 70 साल में आप नोट बदलवा सकते हैं, समायोजन बहाल करवाने के लिए संशोधन करवा के टीटी में हम लोग को मुक्त करवा सकते हैं, चाहे तो आप सब कुछ कर। भारत सरकार से मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि अब ये नाराजगी अब एकदम नहीं चलेगी, आप हम लोग की बात को समायोजन बहाल करवाए या समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और हम तो इससे ज़्यादा, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे बहने भाई हम लोग के बीच से जा रहे, हो सकता है कि आने वाले दिन में हम लोग भी, आज मौका ऐसा मिल जाए, हम लोग दुनिया में रहने के कुछ काबिल नहीं, आज हम हमारे बच्चे हैं, 10,000 में क्या होगा? किसी के पास कोई लोन ले लिया है, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख का लोन ले लिया, उस लोन पे अब 10,000 करेंगे, 15,000 रुपया लोन दे रहा, और 10,000 में खाएंगे क्या, लोन क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, ये बताइए पहले। उसके बाद भारत, हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से कि आप एक ऐसे ही शक्तिशाली योद्धा है, 56 इंच का सीना है, अरे 56 इंच के सीने में क्या दिल नहीं है आपका?
दिल नहीं है, ऐसा कैसा दिल है, आपका पत्थर भी पिघल जाता है। इतना हम लोग दिल नकलो से दिल्ली से कहाँ आए इस जंतर मंतर से। आपका कोई आश्वासन या कोई ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग के दिल खुश हो जाए, अपने अपने घरों में जाए और पाठ पठन पाठ का कार्य करते। अरे जब हम लोग का पेटी नहीं सूख रहेगा हम लोग पठन पाठ नहीं करवाएंगे, और जब तक हम लोग का समायोजन बहाल होगा और उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पठन पाठ का आपका हमेशा साथ दिए। विद्यालयों में सर कॉन्वेंट स्कूल में ही बच्चे कम आते, आज हमारे विद्यालय में प्राइमरी स्कूल की ऐसी दशा थी कोई विद्यालय में कोई टीचर नहीं जाते थे। एक शिक्षा मित्र ऐसे ही थी, एक बुनियाद चीज थी, शिक्षा मित्र आज भी स्कूल में ऐसी बना दिए इंग्लिश मीडियम की तरह। आप हमारे बनारस में आइए, शिक्षा मित्र राजगढ़ प्राथमिक विद्यालय राजगढ़, हमारे विद्यालय में 400 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के साथ मिड डे मील खाना हर तरह से हम लोग साथ देते हैं, इनका कोई ऐसा आवेलना नहीं। आज हम लोग की रोजी रोटी का सवाल है, आज हमारे भाई बहनों के साथ में हम लोग के साथ क्या हो रहा है। मैडम अभी आपने कहा कि हमारे भाई बहन जा रहे हैं, हाँ। तो वो कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे जो भाई बहन है, जब एक मिनट, जब हमारी पेट 10,000 में किसी ने कर्जा ले लिया है, किसी ये सोच रहा है कि हम लोगों को कोई आश्वासन ही नहीं मिला तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। हो सकता है कि कल आत्महत्या हम ही कर ले, जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम तो लोन ले लिए हैं, गाड़ी का लोन कैसे, घर से होम लोन, कोई बहुत ऐसी समस्या है, किसी के हस्बैंड को कैंसर हो कोई, और रही बात आप बोलते हैं कि ये योग नहीं। अरे हम एक शिक्षक है, हम एक प्रधान के जरिए इंटर पास हम लोग अपने ही नगर क्षेत्र में सबसे हाइस्ट नंबर मेरा था, 70-80 लोगों में सबसे चुनाव मेरा हुआ था। उसके बाद हम लोग बीए किए, बीए के बाद हम लोग बीटीसी के बाद हम लोग 17 साल पढ़ाए, हमने बाल गणना जनगणना उसके बावजूद हम लोग उनका हमेशा साथ दिए। आप बनारस में जाते हैं आश्वासन देते हैं, आज बनारस में अगर हम लोग का समायोजन बहाल नहीं करवाएंगे, हम लोग का संशोधन नहीं करवाएंगे, तो मैं कहती हूँ बनारस के जितने भी बनारस से हमें आपका 22 तारीख आने की जो बात है मैं उसको सफल नहीं होने दूंगी। इसलिए मेरी जान चली जाए या कोई भी हमारी धारा हमारे पे लागू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस।